नमस्कार, मैं हूं मंगल सिंह सेंगर और आप देख रहे हैं चैनल न्यूज 24 में आपका स्वागत है। रानीपुर में नदी किनारे चल रहे सीसी मार्ग के निर्माण में गुणवत्ता विहीन कार्य किए जाने के संदर्भ में झंडापुरा के मोहल्ला वासियों ने पार्षद प्रदीप गुप्ता को अवगत कराया। उपरोक्त शिकायत को संज्ञान में लेते हुए मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य को देखा। 3 दिन पूर्व बनी दीवार थोड़ा सा हिलाने मात्र से ही ताश के पत्तों की तरह ढह गई। प्रदीप गुप्ता ने आरोप लगाते हुए मीडिया को बताया कि यहां पर नाम मात्र के लिए सीमेंट व सस्ती ईंटों से कार्य करवाया जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि यह निर्माण कार्य अधिशासी अधिकारी व ठेकेदार की मिलीभगत से हो रहा है। पार्षद गुप्ता ने वर्तमान अधिशासी अधिकारी के कार्यकाल में हुए सभी निर्माण कार्यों पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग सरकार से की है। यदि स्पष्ट जांच होगी तो एक बड़े घोटाले का पर्दाफाश होना तय है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे जो यहाँ पे कार चल रहा है? देखिए, अशासी अधिकारी राम मदन सिंह यादव जो झांसी जनपद के उत्तर प्रदेश के टॉप भ्रष्ट अधिकारियों में से एक हैं, इनके द्वारा नियमों को बाधित करते हुए लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है। रानीपुर नगर पंचायत के अध्यक्ष को सदा हो जाने के बाद पद रिक्त थे। 3 महीने के अंदर चुनाव का नियम है, 16 महीने हो चुके हैं। यहाँ इन लोगों ने की स्कूटर से साजिश करके यहाँ चुनाव को बाधित किया गया। रानीपुर में 3 करोड़ रुपए राशि का 1 साल में बंदर बांट किया गया। एक ठेकेदारों से मिली बात करके करोड़ों रुपए का लूटपाट कर रहे हैं। 1 साल के सारे गुणवत्ता विहीन कार्यों की TLC जांच हो और दोषियों पे तत्काल कार्रवाई हो, FIR सुनिश्चित हो। अगर ये नहीं कार्रवाई होती है तो हम नगर वासियों के साथ एक धरना चलेगा। यहाँ पर सुनने पे आया है कि ये जो रोड बनी है, जो बना हुआ है, जो काम हो रहा है, इसका क्या पेमेंट भी हो चुका है? इसका दिसंबर में अशासी अधिकारी की मिली भगत से 14वें वित्त का पेमेंट कर दिया गया है। ये फर्म रानीपुर की सबसे बड़ी भ्रष्ट फर्म है। तो रोड बनी है, पेमेंट हो गया, पेमेंट हो गया इसका। इन्हीं के द्वारा ये 3 महीने में चुनाव का नियम है राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा निरंतर चुनाव को बाधित करते हुए नगर पंचायत का करोड़ों रुपया का गोलमाल किया जा रहा है।